क्यों कर रहे हैं यार, तू ओथे नहीं सीगा, ओथे गलत गल नहीं कर रहा, ओनू ओथे बिठा के आए असि, ओथे बिठाया आप असि, ओए ओनू नहाना नहीं आंदा यार, किसे नु भी नहीं आंदा असि, लड़का डूबा है नहाते हुए, सानू उदो पता लगा जदों पानी दे विच ओदे हाथ नजर आए, क्या लग रहा है, ऐसा भी तो हो सकता है उसे किसी ने धक्का, रस्ते पर तो ओनू छड़ाउन लगा, इना इसके बाहर आयो विच बन गया, स्टोरी आ सिटी के बाहर लाहौर शहर के पास ही इलाका है, फिर भी यहाँ ये गोताखोर की सहूलत नहीं है, इसे डूबे हुए को ढूंढने के लिए गोताखोर की जरूरत होती है और इस फैमिली को आज चौथे दिन से गोताखोर नहीं मिले। MYK न्यूज की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी आने वाली वीडियो से बाखबर रह सके। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं MYK न्यूज और मैं हूँ आपके साथ सना वकास और मैं इस वक्त दरियाए रावी पे बारादरी के मकाम पर मौजूद हूँ और यहाँ पे एक नौजवान जो कि 19 साल का है वो डूब चुका है। वो चार दोस्तों के साथ यहाँ पे घूमने फिरने आया बारादरी पे और उसके बाद नहाने का प्लान किया और उसके बाद दरिया में नहाते हुए वो डूब गया। यहाँ पे उसके दोस्त भी मौजूद हैं, उसकी फैमिली भी मौजूद है और आज 3 दिन हो गए हैं और 3 दिन से रेस्क्यू ऑपरेशन भी चल रहा है। रेस्क्यू ऑपरेशन किस तरह से हो रहा है, ये फैमिली रेस्क्यू ऑपरेशन से मुतमईन है या नहीं है, या अभी तक 3 दिन तक क्यों नहीं पता चल सका, आइए जानने की कोशिश करते हैं। लड़का डूबा है नहाते हुए, मेरे साथ उसका साथ जो नहा रहा था वो मौजूद है। तो आप लोग कितने लोग थे जो नहा रहे थे? 4 जने। पहले भी नहाते थे? पहली दफा नहा। अंदाजा नहीं था गहराई का कि यहाँ पे कितनी गहराई? नहीं पता था। नहीं किसी ने बताया नहीं आसपास, मतलब किसी ने के पहले भी नहा रहे सी बंदे, ठीक है तो असी कोल जाए उत्थे बैठ के पानी दे विच ते नहान लग गए, ते आ उत्थे बैठा सी जेड़ा साडे नाल डूब गया, ये ऊपर बैठा था, ये नहा नहीं रहा। डूब कैसे? मोबाइल चला रहा है, असी मस्ती कर रहे सी थल्ले, ठीक है पता नहीं इहनू की आया कि नहीं, उसे पानी दे विच पता नहीं लगा कैन जी बढ़ गया। तो नहीं हो सकता है, ऐसा कैसे हो सकता है, आप लोगों को पता नहीं चला? नहीं ना पता चला कि किस तरह वो पानी दे विच चला, तभी हो सकता है कि उसे किसी ने धक्का दिया है, नहीं ना पता लगा सानू, उदो पता लगा जदों पानी दे विच उदे हाथ नजर आए। आप लोग नहा रहे हो और एक बंदा बैठा हुआ है पास आपके और वो अचानक ही गिर जाता है, वो नहा भी नहीं ना बैठा था, वो बैठा हुआ था ऊपर बैठा था, अंदर बैठा हुआ था, उसके पास फोन था, मोबाइल था, पैसे थे पकड़ कर, वो वहाँ पे बैठा हुआ था, हम 3 जने थे, हम उधर बैठे हुए थे, टांगे उधर भी के पानी के अंदर। नहाने का प्लान किसका था? नहाने का किसी का नहीं था, प्लान नहीं था, बस ऐसे ही आने का था प्लान। कहा था ना अबू बकर ने कहा चलो, नहाने का प्लान नहीं था किसी का, अबू बकर ने ये कहा कि चलो चलें बारादरी चलते हैं, उसने कहा कि हम नहाते हैं, मैंने कहा नहीं नहाना, मैंने उसको फोन दिया है अपने, उसने कहा हम नहाते हैं और फिर वो ही नहीं नहाया, मैंने कहा हम उधर क्यों नहीं नहाया, ये उसके एक बंदा है ना वो आपको तैयार कर रहा है एक चीज के लिए कि चलो आओ दरिया में नहाते हैं हम लोग मिलकर, और वही आप लोग नहा रहे हो, वही कहता है मैं नहीं नहा, उसको मैंने मना किया है कोई भी नहीं नहाएगा, ऐसा भी तो हो सकता है कि उसे किसी ने धक्का दिया, हम यही तो मसला है, हमने देखा नहीं है वो कहाँ से गिरा है, कैसे हो सकता है किसी ने भी नहीं देखा, हमने नहीं सिर्फ देखा, हम जो उनसे हैं, हम 3 जने हैं, हम बैठे हुए नीचे, वहाँ से तो नहीं मैडम पता चलेगा कि कोई लड़का वहाँ से नीचे गिर रहा है। आप भाई जी छोटा था आपसे बड़ा? छोटा था, मैं सोया हुआ था घर, उठाया है उन्हें करो, उठाया है आगे लाया यहाँ पे हमें, ये नहीं कि हम वो नहाने के लिए लेकर आया, वो नहाने के लिए लेकर मैं उधर सोया पड़ा था, मेरे पास आया कहता चल, इनका इरादा ये पता लगा, इनका इरादा था पार्क में बैठने का, क्या लग रहा है ऐसा भी तो हो सकता है उसे किसी ने धक्का दिया, इनके वो तो पीछे बैठे, इनके बयान नहीं मिली, ये कह रहे हैं हमें पता नहीं है किस वक्त वो अंदर आ गया पानी में, चीज है आप लोगों के आपस में भी बयान नहीं मिल रहे पता है, और ऐसा कैसे हो सकता है कि ये इकट्ठे आए हैं और उसने इरादा किया है कि हम नहाते हैं, इसके बकौल वो ही नहीं नहाया और ये नहाए, ये अंदर जिसने इरादा बनाया वो बाहर बैठ गया, ये अंदर चले गए, आप लोगों ने FIR वगैरह नहीं करवाई, इतना हुई कि नहीं गाल भी मेरी बांह फाड़ी, जो वो बांह फड़ लगा सी तो उनको नहीं फड़ लग रहे, मैंने धक्का लगाया के ये नहीं पता की इन्हें किया उधर से, मोटा होर तीसरा उन्हें कहा मैं डुब लगा डुबदा पे मजाक किया हड की तीसरा काम ते ਪਹਿਲਾਂ ਸਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਵੜਿਆ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਡੁੱਬਣਾ ਪਿਆ ਇਹਨਾਂ ਰੱਸੇ ਬੰਨੇ ਸੀ ਆਪਣੇ ਲੱਕਾਂ ਨੂੰ।
रस्ते पर तो इन्हू छड़ा लगा इन्हें हसके बाहर आया बिच बढ़ गया चला गया इन्हें फिर उन्होंने फड़े स्टोरी मुंडे स्टोरी जब उस देखा है उसको के वो डूब गया क्या किया था भाग के मैं गया हूँ अंदर मैं अंदर देखने गया हूँ कितनी देर के बाद वैसे फौरन ही वहाँ से उन्होंने चलाया उधर लेडीज खड़ी हुई थी उन्होंने हमें पुकारा है कि वो लड़का गिर गया वैसे मैं फौरन गया हूँ अंदर देखा कौन सा टाइम टाइम तकरीबन सुबह अपनी FIR को दर्ज करवाएं उसके बाद आपकी इन्वेस्टिगेशन होगी और ऐसा ना करें कि आपका लड़का कहीं और हो आप इस दरिया पे बैठे रहे अभी तक लाश नहीं ना मिली फौरन ही कितनी वो वीडियो देखी है उन्होंने मैं रिश्तेदार हूं उसने वीडियो देखी है वीडियो किसने रिकॉर्ड की वो फैमिली थी वहाँ जो पिकनिक पे आई उसने बनाई है वीडियो वो चलेगी वापस वीडियो देखी है उसने कहा यार मैंने देखा अबू बकर ने देखी नहीं हम रिश्तेदार हमारा चार लोग नहा रहे हैं एक कैसे डूब ये समझ नहीं आ रही हमारे ये वीडियो देखी है कह रहा अबू बकर था जो अंदर जा रहा था उस लेडीज ने वीडियो हमें अपनी वजह नहीं समझ आ रही ये इनके कॉल है इनका बयान नहीं कुरल रहे चारों का ऐसा भी तो हो सकता है कि उसको किसी ने धक्का दिया कैसे हो सकता है धक्का दिया क्यों नहीं हो सकती इधर क्यों नहीं होती वो तो आप कह रही ना ऐसे हो सकता है मैं हम कैसे सोचे वो क्यों? तो आप क्यों नहीं सोच जब हम थे ही नीचे आपका दोस्त डूब गया पानी से डरता ही पड़ा था वो उसको नहाने की जांच नहीं थी का ऐसा कैसे हो सकता है वो खुद से चला पता नहीं क्या मसला एक बंदा को पता ही नहीं है और सबसे बड़ी बात कि आप दोनों के जो बयान है ना वो भी मुख्तलिफ है और ये बात कि प्लान उसका था कि नहाते और वो ही कह रहा है कि तुम लोग नहाओ मैं तुम लोगों के पैसे और मोबाइल पकड़ के बैठ दूं रोका था ना नहाना आपने क्यों रोका उसे आता ही नहीं तैरना आपको तैरना आता था नहीं हमें भी नहीं आता हम सिर्फ इधर बैठे हुए थे वो उसने मुझे बोला है मोबाइल दो मुझे मोबाइल लेकर वहाँ पे वो बैठा रहा रेस्क्यू कितनी देर में पहुँच वो पहुंचिया कोई अभी भी वो गए हुए ढूंढने उनकी मेहरबानी वो रोजाना आ रहे हैं वो कर रहे हैं तामन साडे नाल करन बस गवर्नमेंट साडे नाल तामन रेस्क्यू आधे घंटे के अंदर पहुंच आई थी आधे घंटे में तो डूबता हुआ बंदा इतनी आगे नहीं जा सकता नहीं जा सकता उन्होंने सर्च किया ना फौरी ऑपरेशन कोई 4-5 किलोमीटर तो किया होगा लगा दे रहे हैं भागो भागो उनके पास गोताखोर नहीं है जो अंदर जाते हैं ये कश्ती ऊपर घुमाते हैं बस उनके पास गोताखोर नहीं है गोताखोर नहीं ना ऑक्सीजन नहीं है जो गोताखोर ऑक्सीजन पानी में नीचे जाता है वो उनके पास नहीं है गवर्नमेंट से यही अपील है वो गोताखोरों का बंदोबस्त करें उस महकमे में वन वन टू गोताखोर नहीं मिले उनके पास है ही नहीं वो कहते हैं गोताखोर अभी तक नहीं आए कोई भी किसी से कुछ पता चला है कि इस जगह की गहराई कितनी है 20 फुट और ऐसे रेस्क्यू ऑपरेशन का क्या फायदा जिसमें गोताखोर नहीं है और ऊपर ऊपर से तो कोई भी देख सकता है अब गोताखोर होते वो नीचे जाते तो मे बी उसे टाइम पे पता चल जाता या मिल जाता इन गवर्नमेंट के पास नहीं है इनके पास किसी डूबे हुए को ढूंढने के लिए गोताखोर की जरूरत होती है और इस फैमिली को आज चौथे दिन से गोताखोर नहीं मिले कैसा मुल्क है ये जहाँ पे एक गोताखोर नहीं है कि कोई नीचे जाकर थोड़ी सी 20 मीटर की गहराई में कोई लाश ढूंढ सके सिटी के पास लाहौर शहर के पास ही इलाका है फिर भी यहाँ ये गोताखोर की सहूलत नहीं है पहले भी ऐसे वाकयात हो चुके हैं बहुत हर साल होते हैं ये और ऐसे ही करते हैं कि गोताखोर नहीं है लाश आती है तो फिर निकाल इस चीज का गोताखोर ये जो आपका भाई है फैमिली का कोई बंदा इधर कभी आया नहीं आया हमारे सामने घर हम आते 10-20 मिनट के लिए आते हैं यही तो सवाल है कि आपका भाई कैसे आ पहले कभी नहाने का उसको शौक हुआ कि मैं दरिया में कहीं में जाता रहा था दरिया में कभी नहाया नहीं नहीं दरिया में कभी नहीं देखा ही नहीं कभी किसी ने दरिया में ना कभी आया नहीं कभी देखा ही नहीं है पूल वगैरह बनाता रहता था जाता रहता था आप वालिद है जी हमारा इधर लड़का डूब गया अगर गोताखोर होता तो हमें यहाँ तक 3 दिन हो गए यहाँ तक दिक्कत पेश ना आती शायद हमें उसी दिन मिल जाता पहले दिन ही मिल जाता क्या अभी तक उन्होंने बताया है आपको कि कोई आसार नजर आए हैं उन्हें नहीं वो अभी तक सार कोई नजर नहीं आया लेकिन वो रोड के ऊपर जाके सर्वे कर रहे हैं वो इंतजार कर रहे हैं कि खुद ही ऊपर आ जाए हमने दे दे बस तो फिर हम वीडियो बना लेंगे कि हमने ये देखे हमने निकाल लिया ये कर लिया है मैंने अक्सर वीडियो देखी हुई है वीडियो बनाते रहते हैं इधर बैठ के ना न्यूज़ वालों को बुला लेते हैं हमारे गोता घोड़ा ये देखें ये नीचे जाते हैं ऐसे करते हैं वैसे करते हैं इनके काम यही है बस आप यहीं पे रहते हैं जी ऐसे इतना ही रहनी है हैला लगा के हाँ जी नहीं तो जिस दिन ये चारों नहा रहे थे वाला दिन सी 1 बजे नाल बचा 4 जने बड़े
चार जने बड़े जे नहारे जे एक डूब गया तीन बार नसे गए। चारों इकट्ठे गए हैं? इकट्ठे गए। आपने देखे? हाँ जी देखे। ये तो कह रहा है कि हम तीन नहारे थे चौथा बैठा हुआ था। है नहीं सी बेचारे वो ये कह रहे हैं मैं सात नहारा था। मैं वो थी नहीं। नहीं तो ये तो कह रहे हैं कि मैंने चारों को देखा है। आप क्यों कह रहे हो तीन नहारे थे? हम तीन जने बैठे हुए थे नीचे। मैं पौड़िया कोल सी ते मोटा नसा गया कपड़े चुक। ਉਹ ਪੌੜੀਆਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹ ਉੱਥੇ ਚਾਰ ਜਣੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਗਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਦਿਮਾਗ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਜ਼ਰ ਆਤਾ ਹੈ ਮੈਂ ਆਤਾ ਹੈ ਨਜ਼ਰ ਮੈਡਮ ਮੇਰੀ ਬਾਤ ਸੁਣੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਤਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਆਪਨੇ ਚਾਰੋਂ ਕੋ ਨਹਾਤੇ ਦੇਖਾ ਚਾਰ ਜਣੇ ਬਾਜੀ ਨਾਲ ਅੱਛਾ ਉਹ ਮੋਟਾ ਜੋ ਦੋਸਤ ਇਸਕਾ ਬਤਾ ਰਹੇ ਉਹ ਕਿਉਂ ਭਾਗ ਰਹਾ ਤਾ ਕਬ ਭਾਗ ਰਹਾ ਉਹਨੇ ਕਪੜੇ ਫੜ ਕੇ ਭੱਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਮੁੰਡਾ ਡੁੱਬ ਗਿਆ ਮੁੰਡਾ ਡੁੱਬ ਗਿਆ ਫੜੋ ਜਦੋਂ ਧਿਆਨ ਮਾਰਿਆ ਥੱਲੇ ਕੋਈ ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਐਵੇਂ ਬੰਦਾ ਝੂਠ ਮਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੱਥ ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਜਾਂ ਡੁੱਬ ਰਿਹਾ ਬਾਹਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਦੇ ਆਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਡੁੱਬ ਗਿਆ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਡੁੱਬਿਆ ਕਿਦੋਂ ਉਹਨੇ ਰੋਲਾ ਪਾਇਆ ਰੋਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੇਟ ਪਾਇਆ ਹਾਂਜੀ ਰੋਲਾ ਤੇ ਲੇਟ ਹੀ ਪਾਣ ਨੇ ਤਬ ਡਾਲੀ ਹੈ ਬਾਤ ਤਾਂ ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਕਰੇ ਨਾ ਯਹਾਂ ਪੇ ਕਿ ਆਪ ਦੋਸਤ ਹੋ ਆਪ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਹਮ ਤੀਨ ਨਹਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਚੌਥਾ ਬੈਠਾ ਹੋ ਤੀਨੋਂ ਹੀ ਨਹਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਹਮ ਤੀਨੋਂ ਹੀ ਨਹਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾਜਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦਾ ਦੇਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਅੱਲਾ ਜਾਣਦਾ ਮੈਂ ਫੜਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਸੀ ਸਿਰਫ ਇਹ ਦੱਸੋ ਸੀ ਇੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਵੇਖਿਆ ਚਾਰ ਜਣੇ ਆਏ ਨਹਾਉਂਦੇ ਆ ਮੋਟਾ ਆਣ ਭੱਜਿਆ ਆਹ ਮੁੰਡਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਏ ਚਾਰ ਜਣੇ ਆਏ ਆ ਨਹਾਤੇ ਨਹੀਂ ਚਾਰ ਅਸੀਂ ਚਾਰ ਨਹਾਤੇ ਨਹੀਂ ਬਾਜੀ ਬਾਜੀ ਇਹਨਾਂ ਚਾਰ ਜਣੇ ਨੇ ਨਹਾ ਰਹੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਕਲ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਹਾਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਡੁੱਬ ਗਿਆ ਉਹ ਡੁੱਬ ਗਿਆ ਅੱਲਾ ਦੀ ਆਈ ਨਾਲ ਮਰਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ ਐਵੇਂ ਬੰਦਾ ਝੂਠ ਮਾਰਿਆ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਯਾਰ ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਉੱਥੇ ਗਲਤ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇ ਉੱਥੇ ਕਿੱਦਾਂ ਬੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਨਾ ਚਾਰ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਆਏ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਬਿਠਾਇਆ ਆਪ ਅਸੀਂ ਕੈਸੀ ਤੂੰ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਯਾਰ ਤੂੰ ਓਏ ਉਹਨੂੰ ਨਹਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਯਾਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਅਸੀਂ ਪੈਰ ਡਬੋ ਕੇ ਤਿੰਨ ਜਣੇ ਬੈਠੇ ਸਾਨੂੰ ਨਹਾਉਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਹਾਉਂਦਾ ਤੇਰੀਆਂ ਦੂਰਬੀਨ ਦੀਆਂ ਪੈਰ ਡਬੋ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨਹਾਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਨਹੀਂ ਮੈਡਮ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਨਹਾਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਪੈਰ ਡਬੋ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਇਹਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਸੀ ਵਿੱਚ ਨਾ ਰਹੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਹੱਥ ਫੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਮੈਡਮ ਨਹੀਂ ਮੈਡਮ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਦਾ ਇੱਥੇ ਕਿੰਝ ਹੱਥ ਫੜ ਲਈ ਅਸੀਂ ਅੱਛਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਬੈਠੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਉੱਥੇ ਥੱਲੇ ਬੈਠੇ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਏ ਇਹੀ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿੰਝ ਆਇਆ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਮੋਬਾਈਲ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਸੀ ਇੱਥੇ ਥੱਲੇ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿੱਧਰੋਂ ਆਇਆ ਕੀ ਪਤਾ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਮੀਜ਼ ਫੜਾਈ ਹੈ ਕਮੀਜ਼ ਫੜਾ ਕੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਰੋਲੀ ਪਾਈ ਉੱਥੋਂ ਕਿ ਮੁੰਡਾ ਡੁੱਬ ਗਿਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਡੁੱਬਦਿਆਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਡੁੱਬਦਿਆਂ ਸਿਰਫ ਇੰਜ ਚਾਰ ਹੱਥ ਵੇਖਿਆ ਚਾਰ ਉਂਗਲੀਆਂ ਵੇਖੀਆਂ ਤਾਂ ਬਸ ਕੀ ਕਮਾਲ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਮੈਡਮ ਉੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਗਿਆ ਸਾਹਮਣੇ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਾਣ ਦੇਣਾ ਸੀ ਉੱਥੋਂ ਉਹਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਇਹੀ ਤਾਂ ਮਸਲਾ ਹੈ ਵੇ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਇਹ ਉੱਥੋਂ भाई नू झूठ बोलन दी मैडम अंदर से कुछ भी नहीं बाहर आता कोई नहीं नजर आता मुझे ये नहीं आन के ना शोर पाया है बच्चा डूब गया अब डूब गया है मसला है सारा वाक्य उन बुजुर्ग ने देखा चार बंदे नहाते पे उन ब्लड विच वो कह रहे ने सी नहाते नहीं है के पहले इन्होंने क्या सी नहाते हैं तो पहला चारे सारे मौजूद है से ऐसा भी ओथे इन्हें बचाने की किसी ने कोशिश नहीं की थी कोशिश नहीं की थी कोशिश किसी ने नहीं की थी इन्होंने ये सब आ गया वहां डर के सकता है कि इन्होंने डूबे हुए ਦੋਸਤ ਡੁੱਬ ਗਿਆ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਹੱਥ ਦੇਖੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਛਲਾਂਗ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਾਰੀ ਮੈਡਮ ਉਹ ਦੂਰ ਸੀ ਤੈਰਨਾ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿੰਝ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਇੰਨੀ ਪਿਆਰੀ ਸੀ ਦੋਸਤ ਡੁੱਬ ਰਿਹਾ ਸੀ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿੰਝ ਵੜ ਜਾਂਦੀ ਏ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਤੈਰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ ਦਰਿਆ ਹੈਗਾ ਅਸੀਂ ਪਾਗਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਇੱਥੇ ਉਹਦੀ ਜਾਨ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਪਿਆਰੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮੇਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਮੈਂ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਬਚਾਣਾ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਬਚਾਉਣਾ ਸੀ ਨਹੀਂ ਮੈਡਮ ਗਲਤ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਗਲਤ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰੀ ਮੈਡਮ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੜ ਚੁੱਕਿਆ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਸੀ ਤੈਰੂ ਵੀ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 20 ਫੁੱਟ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਿਰਾਈ ਹੈਗੀ ਥੱਲੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਅਸੀਂ ਕਿੰਝ ਵੜ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਦੇ ਬੈਠੇ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਜਦ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਨਾ 10 ਮਿੰਟ 'ਚ ਪਤਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਕਰੇਗਾ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਕਰ ਲਏਗੀ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ